Hello everyone, today I am going to discuss with you the chapter India Wins Freedom. Guys, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो. सो वेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया एंड आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, गांधी जी डिसाइडेड टू टूअर द होल कंट्री ये देखने के लिए कि एक्चुअल हमारे देश की कंडीशन क्या है. सो ही टूअर्ड एंड आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग गांधी जी बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी एंड नोबल आइडियाज, और इसीलिए लोग उनको क्या बोलने लगे, महात्मा. और गांधी जी ने कहा कि जो ब्रिटिश का जो अनजस्ट रूल है उसके अगेंस्ट हमको कदम उठाने चाहिए, एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस. तो उसी तरह का एक मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई बैसाखी के दिन. वहाँ पर करीब 20,000 मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वहाँ आकर के इकट्ठे हुए. सभी ज़्यादातर अपने लीडर्स को देखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया, और अपने जो ऑफिसर था जनरल डायर उसको आदेश दिया कि जाकर के उनको रोकें. लेकिन जनरल डायर ने आकर के विदाउट एनी वार्निंग ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन द पीसफुल क्राउड. इन दैट थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड. उसकी वजह से देयर वॉज वाइड स्प्रेड एंगर ऑल ओवर द कंट्री. ये देखते हुए कि गांधी जी ने सोचा कि ये अब जो गुस्सा है वो अब मारकाट में बदल सकती है, दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि भाई जो भी अब करना है हमको, वी हैव टू डू इट विद पीसफुल मैनर, एंड दैट इज़ वाई अब उन्होंने क्या कहा कि वी हैव टू स्टार्ट सत्याग्रह. सत्याग्रह मीन्स पीसफुल इंसिस्टेंस ऑन द राइट डिमांड बाई द पीपल एंड सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द ट्रुथ. सो दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने कहा कि अगर हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये अपना राज्य यहाँ से ख़त्म कर लेंगे और वापस चले जाएंगे. तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में लोगों ने क्या किया, द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डिसओबे द अनजस्ट ब्रिटिश लॉज. नेक्स्ट दे डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन लेफ्ट देयर जॉब. And student also left their school and colleges to join the freedom movement. अब इसमें leaders कौन कौन थे? The great leaders were सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस. और अल्टीमेटली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी उसने 1929 का जब ब्रिटिशर्स के साथ में लाहौर में सेशन हुआ तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए. अब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर बहुत सारे ऐसे नियम थोप दिए थे, लॉ बना दिए थे, जिनसे सभी परेशान थे. उसमें से एक नियम था कि सॉल्ट पर भी टैक्स लगाना. सो बिकॉज गांधी जी ने कहा दिस इज अनजस्ट लॉ, एंड दैट इज वाई गांधी जी स्टार्टेड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब एक मार्च शुरू की फ्रॉम साबरमती टू डांडी. उनमें उनके कई फॉलोअर्स 79 फॉलोअर्स थे, वो उनके साथ साथ चले और डांडी में जाकर के गांधी जी ने खुद सी वाटर से सॉल्ट बना करके और जो ब्रिटिश का नियम था सॉल्ट पर टैक्स का वो नियम तोड़ दिया. और उनके मूवमेंट को सपोर्ट किसने किया, नॉर्थ में खान अब्दुल गफ्फार खान ने और ईस्ट में रानी गेजिल्यू ऑफ नागालैंड. और खान अब्दुल गफ्फार खान को इसलिए फ्रंटियर गांधी भी कहते थे बिकॉज ही वॉज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. तभी क्या हुआ, फिर सब परेशान हो गए. तो उसके बाद 1942 में द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी लॉन्च्ड अ मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट वॉज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो.
And Gandhiji gave the slogan of do and die. That is, either we win freedom or die for the same. उसमें से अब कुछ ऐसे लीडर्स थे, दे डिड नॉट वॉन्ट टू फॉलो गांधी जी. और वो चाहते थे कि वायलेंट मेथड्स कुछ हमको एडॉप्ट करने चाहिए. उसमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ही डिसाइडेड टू फाइट द ब्रिटिश फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड दैट इज़ वाई ही एस्केप फ्रॉम इंडिया टू जापान. और वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई एंड दैट वॉज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी INA टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. और उन्होंने दो नारे दिए, स्लोगन दिए एंड दैट दीज वर नोन एज जय हिंद एंड दिल्ली चलो. और उनके जो मेंबर्स थे आर्मी के, दे टोल्ड देम नेताजी, उनको नेताजी नाम दिया गया. अब उसमें बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, दे ऑल्सो ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल. और वो क्या सोचते थे कि बिना वायलेंस के ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएंगे नहीं. उसमें थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद एंड असफकुल्ला खान. अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स डिसाइडेड दैट इंडियंस विल नॉट टॉलरेट दैम एनी मोर एंड दैट इज़ वाई ऑन 15th August 1947 दे फ्रीड इंडिया एंड इंडिया बिकेम फ्री, गॉट इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. बट इसका एक गलत जो पहलू हुआ वो क्या हुआ, अवर कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. और हमारे देश के डिवीजन के बाद में जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू. और जो प्रेसिडेंट थे हुआ सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. अल्टीमेटली वी गॉट द फ्रीडम एट द कॉस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ अवर कंट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वनस्पति ज्ञान ऑल्सो. इसमें आपको पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की जानकारी मिलेगी. थैंक यू.